इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझेंगे, राइट? कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी वर्ड से देखो क्या हमारा मीनिंग है, कि जो पाथ आप जा रहे हो उसी पाथ से वापस आ गए। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी सी बना रहा है तो सी वापस टूट के ए और बी बना देगा, उस टाइप से कुछ रिवर्स पाथ की बात करेंगे बिकॉज हम लाइट की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब एक रे आप रे ऑफ लाइट आपकी मीडियम ए से बी में जा रही है, ए से बी में जा रही हो, ठीक है ना, एक कोई भी पाथ ले रही है, सर्टेन पाथ ले रही हो, तो वापस आते टाइम वो क्या करेगी, इट विल फॉलो द एग्जैक्टली सेम पाथ व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए। ऐसा कब हो पाएगा आपको ध्यान देना है, ऐसा हमारा तब हो पाएगा जब मान लेते हैं हमारी एक रे ऑफ लाइट जा रही थी एक्स वाई, ये एक्स से वाई पे जा रही थी, ठीक है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब ये मान ये रे से डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो गई। अगर वापस रिफ्लेक्ट कराना है, वापस भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक मिरर को रखना पड़ेगा एट एन एंगल 90 डिग्री टू दिस, एक प्लेन मिरर आप रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो इट मे फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसमें आपको बहुत सिंपल सा केस समझना पड़ेगा, मान लो 60 डिग्री पे आएगी, हो एंगल चेंज हुआ 45 हो गया, वापस भेजने का ये हमारा आते टाइम आई था और ये रिफ्रैक्शन का एंगल था, अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे आई इसको रखना पड़ेगा और आर ये बन जाएगा मेरा, सिंपल है। अगर मुझे आई टू ये है तो मेरा आर टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अगर आप देखो रिलेशन, तो हमारा जो आते टाइम इंसिडेंट है, जाते टाइम वो रिफ्रैक्टेड है, और जाते टाइम जितने पे रिफ्रैक्ट हुई थी उतने पे ही आपको इंसिडेंट कराना है रिवर्स पाथ में। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो दिस के मे हैपन, और हमने प्लेन मिरर का यूज किया उसको रिफ्लेक्ट बैक कराने में, तो क्या होगा, इट विल फॉलो द सेम पाथ ऐसे एंड ऐसे। ये क्लियर होगा आपको, तो दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इससे कॉरस्पॉन्डिंग हम एक रिलेशन निकालेंगे बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी डायग्राम में लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन नाउ, राइट? अब मैं रिलेशन समझाऊंगा आपको। केस वन हम ले रहे हैं मीडियम ए टू बी, अगर आप जा रहे हो तो हमारा म्यू ए बी क्या होगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। आते टाइम एंगल हमारा इंसिडेंट का क्या होगा, एंगल हमारा इट विल बी एंगल एक्स वाई एन, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, दिस विल बी व्हाट, ये हमारा एक्स वाई मान लो ये जेड है हमारा, दिस विल बी जेड वाई एन, ये हमारा फर्स्ट केस है। केस टू है हमारा जब हम वापस आ गए उसी पाथ से, एग्जैक्टली सेम पाथ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो म्यू बी ए क्या हो जाएगा आपका, अगेन साइन आई बाय साइन आर इन दिस केस। अब इस टाइम हमने वापस किससे भेजा, वापस हमने भेजा इस एंगल पे, जाते टाइम ये इंसिडेंट है, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज एंगल जेड वाई एन अपॉन एंगल सिमिलरली एक्स वाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई वन एंड टू, क्या मिलेगा मुझे, ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई एन इंटू एंगल जेड वाई एन होल अपॉन एंगल जेड वाई एन एंगल एक्स वाई। तो सिंपली आप देख पा रहे कट हो गया, दैट मीन्स मेरा ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन है मेरी। या मैं कह सकता हूं ए म्यू बी इज रेसिप्रोकल ऑफ बी म्यू ए। अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू विद रिस्पेक्ट टू वन दे रखा है, आपको वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकालना है, तो आप क्या करोगे, यू सिंपली टेक द रेसिप्रोकल। अगर मान लो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो इट विल बी 1 अपॉन 1.5।
डिपेंडिंग अपॉन मुझे क्या कैलकुलेशन करनी है, आई बी यूजिंग दिस इक्वेशन. सो दिस वॉज यू ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि एक मीडियम से जिस अगर वो एंटर करके दूसरे मीडियम में आ गई, तो अगर आप एग्जैक्टली वो सेम बात फॉलो कर लेगी इन दिस कंडीशन, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये होगा, राइट. सो थैंक यू, एंड कोई भी डाउट आता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.